हेलो गाइस, मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं हमारा और आपका यूट्यूब चैनल द नॉलेज टेक। अगर आप लोग यूट्यूब पर वीडियो बनाने के लिए सोच रहे हैं तो ये वाली वीडियो मैं आप ही के लिए लेकर आया हूं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। देखिए, सबसे पहले अगर आप लोग फर्स्ट बार वीडियो बनाना स्टार्ट करते हैं और अगर आप सोचते हैं कि ऐसा कौन सा वीडियो बनाएं, ऐसा कौन सा टॉपिक लें जिससे हम वीडियो बनाएं तो हमारा वीडियो रातों रात वायरल हो जाए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिस कैटेगरी पर आप लोग वीडियो बनाने के सोचोगे उस वाली कैटेगरी पर यूट्यूब पर और भी काफ़ी सारी वीडियोस पहले से ही बनी हुई है, तो आपको बहुत सारी वीडियो कभी भी आप जिस भी टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहो वो टॉपिक आप यूट्यूब पर सर्च करना, आपको बहुत सारी वीडियोज़ आपके पहले ही वहाँ पर मिल जाएगी। क्योंकि यूट्यूब पर बहुत सारे क्रिएटर हैं जो यही सोच कर वीडियो बनाते हैं कि उनका भी वीडियो वायरल हो जाएगा। तो आपका चैनल अच्छा खासा ग्रो हो जाए इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने कैटेगरी को सेलेक्ट करना है। आप किस कैटेगरी पर कंटेंट बनाना चाहते हैं, आप कौन से कंटेंट में परफेक्ट है, आप क्या यूट्यूब पर बनाना चाहते हैं, आप डांसिंग, सिंगिंग, फूड, ब्लॉगिंग, क्या बनाना चाहते हैं आप यूट्यूब पर, आपको कैटेगरी सबसे पहले चुननी है। देखिए, यूट्यूब पर वीडियो बनाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है उन सभी चीज़ों के अंदर सबसे पहले आता है कैमरा। वो कैमरा चाहे मोबाइल का कैमरा हो या फिर आपके पास DSLR हो तो और भी अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके पास मोबाइल फ़ोन है, आपके पास DSLR नहीं है, तो आप मोबाइल फ़ोन से भी बहुत अच्छी पिक्चर क्वालिटी वाली वीडियोस बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपको कैमरे की ज़रूरत होती है। सेकंड नंबर पर जो हमको चीज़ की ज़रूरत होती है वो है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन की ज़रूरत इसलिए होती है क्योंकि मोबाइल फ़ोन का जो माइक होता है वो बहुत ही कमज़ोर होता है, वो इतनी अच्छी वॉइस रिकॉर्डिंग नहीं कर पाएगा। तो आप लोग सबसे पहले, मेरा सजेशन है कि सबसे पहले आप लोग कैमरा और माइक पर फोकस करें, क्योंकि अगर आपके पास इसके अलावा भी कोई इक्विपमेंट नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन कैमरा और माइक मस्ट है। अगर आप एक वीडियो क्रिएटर बनना चाहते हैं तो आपको कैमरा और माइक की ज़रूरत होगी ही होगी। और मोबाइल का जो माइक्रोफोन होता है उससे आप वॉइस क्वालिटी अच्छी वाली रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं, इसलिए आपको माइक की ज़रूरत पड़ने ही वाली है। कोई भी आप लोग माइक खरीद सकते हैं, सस्ता महंगा जितना अगर आप खरीदना चाहे उतना खरीद सकते हैं। आपको अमेज़ोन और फ्लिपकार्ट पर 150 रुपये से ऊपर में माइक मिल जाएगा। 150 रुपये से माइक की प्राइस स्टार्ट हो जाती है। तो आपको अमेज़ोन या फिर फ्लिपकार्ट या फिर आप नॉर्मली किसी दुकान पर जाकर भी माइक खरीद सकते हैं कॉलर वाला। अब आपके पास माइक है, कैमरा है और आपने वीडियो शूट कर लिया है, तो आपको ज़रूरत पड़ेगी सबसे पहले वीडियो एडिट करने की। आप किस सॉफ्टवेयर से वीडियो एडिट करोगे, किस सॉफ्टवेयर से आप लोग ऑडियो एडिट करोगे, किस से आप थंबनेल बनाओगे, आपको इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। आप काइन मास्टर को यूज़ कर सकते हैं वीडियो एडिटिंग के लिए। अगर आप लोग प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग करना चाहते हैं तो आपको काइन मास्टर आपके फ़ोन में डाउनलोड करना ही पड़ेगा। और प्ले स्टोर पर आपको वाटरमार्क वाला काइन मास्टर मिलेगा। और अगर आप लोग इसे फ्री में डाउनलोड करना चाहते हैं, प्रीमियम वाले वर्जन को, काइन मास्टर प्रीमियम वाले को, तो आपको हमारा एक वीडियो है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा, और आई बटन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से भी उसे सिंपली डाउनलोड कर सकते हैं। काइनल तरीके से वीडियो में इफ़ेक्ट, ट्रांजेक्शन इफ़ेक्ट और जिस भी प्रकार का कोई साउंड ऐड करना हो या फिर कोई छोटे से क्लिप्स ऐड करने हो तो आप वहां पर वीडियो एडिटर में कर सकते हैं। तो काइन मास्टर वीडियो एडिटर आपके लिए बेस्ट है, तो आपको काइन मास्टर डाउनलोड कर लेना है। प्रीमियम वाले काइन मास्टर के लिए आपको मेरे चैनल पर और मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा, आई बटन पर भी आपको लिंक मिल जाएगा। तो ये तो हुआ वीडियो एडिटिंग ऐप। अब आता है ऑडियो एडिट करने के लिए क्या किया जाए जिससे हमारा वॉइस जो है एक प्रोफेशनली तरीके से एडिट हो पाए। ऑडियो को एडिट करने से पहले आपको ऑडियो रिकॉर्ड के लिए रैकफोर्स 2 एप्लीकेशन जो है वो डाउनलोड करना होगा। ये आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। इसे डाउनलोड करने के लिए आपको सिंपली प्ले स्टोर ओपन करना है और वहां से इसे सर्च करके डाउनलोड करना है। इसके बाद आपको ऑडियो एडिटर डाउनलोड करना है, एक्सिस ऑडियो एडिटर आपको डाउनलोड करना है। इसे डाउनलोड करने के बाद आप अपने फ़ोन के अंदर आपके वॉइस को एडिट कर सकते हैं, नॉर्मलाइज कर सकते हैं, सिंक्रोनाइज कर सकते हैं, किसी भी तरीके से आप आपकी आवाज़ को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो आपको ये वाला एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेने हैं, वॉइस रिकॉर्डिंग के लिए रैकफोर्स 2 और वॉइस एडिटिंग के लिए आपको लेक्सिस ऑडियो एडिटर को डाउनलोड कर लेना है। सिंपली वीडियो एडिट हो गया, वॉइस एडिट हो गया, इसके बाद हम आते हैं वीडियो एक्सपोर्ट होने के बाद थंबनेल मेकर, जो आपकी वीडियो को प्रोफेशनल लुक देगा। एक थंबनेल बनाना होगा आपको आपकी वीडियो के लिए जो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव होना चाहिए, आपके टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए, ऐसा थंबनेल आपको आपकी वीडियो के लिए बनाना है। ये बनाने के लिए आपको इसके सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना पड़ेगा। तो इसमें 2-3 सॉफ्टवेयर है जिनमें से आप किसी की भी हेल्प ले सकते हैं। अगर आपको पिक्सआर्ट यूज़ करना आता है, पिक्सआर्ट फोटो एडिटर, तो आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। पिक्सआर्ट के अलावा कैनवा हो गया और पिक्सल लैब हो गया, इन सॉफ्टवेयर से आप लोग थंबनेल
अच्छा खासा थंबनेल बना सकते हैं। इसके बाद आपको आपके चैनल पर डेली वीडियो अपलोड करना है डेली, क्योंकि क्वालिटी और क्वांटिटी इसके अंदर सबसे पहले आपको क्वांटिटी मैटर करती है, क्वालिटी मैटर नहीं करती है। अगर आपका एक छोटा चैनल है और आप नया नया ग्रो कर रहे हो तो आपको क्वांटिटी मैटर करती है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाकर अपने चैनल पर अपलोड करना है। जितना ज़्यादा आप अपलोड करोगे उतना ज़्यादा यूट्यूब को आपके ऊपर ट्रस्ट होगा, आपके चैनल को इम्प्रेशन, आपके चैनल को सजेशन में दिखाएगा, लोगों के चैनल पर आपके चैनल को रिकमेंड करेगा। इसके साथ ही आपको टैग्स लगाना भी सीखना पड़ेगा। आपके वीडियो अगर आप वीडियो बनाने के बाद आप वीडियो अपलोड करने से पहले जब आपका टाइटल टैग और डिस्क्रिप्शन जो बनाते हैं उसके अंदर आपको टैग्स भी तो लगाना होगा, अच्छा खासा टाइटल ढूंढ के आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स सेट करके और आपको टैग्स लगाना होगा। तो अगर आप लोग प्रोफेशनल टैग्स नहीं लगाना जानते हैं, आप लोग नहीं जानते हैं कि यूट्यूब पर वीडियो वायरल करने के लिए अच्छे टैग्स कहाँ से ढूंढे, तो मेरा एक वीडियो है, आप वो वीडियो पूरा देखिएगा, आप लोग पूरा स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस समझ जाएंगे कि कैसे क्या कहाँ से टैग ढूंढना है और कहाँ से टैग सर्च करके लगाना है जिससे आपकी वीडियो रैंक करे। और अगर आपकी वीडियो रैंक करेगी तो आपके चैनल पर अच्छा खासा व्यूज़ आएगा, आपका चैनल बहुत जल्दी ग्रो हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया, आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे इसी प्रकार की और भी टेक्निकल वीडियोज़ में, तब तक के लिए थैंक यू।